राजवंश अपना हनीमून तो खूब मनाकर आ गए, लेकिन होता है कई बार होता है जब आप बहुत एंजॉय कर लेते हैं ना, उसके बाद बच्चू पता लगता है कि आखिरकार आपका क्या इंतजार कर रहा है, एंड देन यू सीरियसली विश काश मैं छुट्टी पे गई ही नहीं होती। नहीं नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रही, बट एनीवेज पूरी और राजवंश हनीमून से तो आ गए घूमते घुमाते झूमते झमाते, और अब फेस कर रहे हैं हनीमून के साइड इफेक्ट्स। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा आरवी कह रहा है पूर्वी से। अबे ये तो वही वाली बात हो गई है ना, एक तो बचाया और उस पर इनकी बात भी सुनो। आरवी आप कभी तो अपना एटीट्यूड साइड में रख दिया करो, आज तो आपको एहसान मानना चाहिए पूर्वी का कि उसकी वजह से आप घर आ गए हैं, वरना मोनिशा ने तो आपको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। अब पूर्वी ने घर वालों की बात मानी और देखिए आरवी और मोनिशा को जेल से छुड़ा लिया है। छुड़वा लिया है क्योंकि दादी का मेरे पास कॉल आता है कि प्लीज़ तुम आरवी को बचा लो, और वो केस ऐसा है ना कि सिर्फ वाइफ ही आके बचा सकती है अपने हस्बैंड को, और फिर हलीम माँ भी मुझे कॉल करती है, तो मुझे आई थिंक आरवी और मोनिशा से ज़्यादा फैमिली का स्ट्रेस होता है कि पूरी फैमिली को पता चल गया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और पूर्वी का दिल बहुत बड़ा है तो उसे यही लगता है कि नहीं फैमिली को हर्ट नहीं होना चाहिए, तो इसी रीज़न से वो आरवी को बचा लेती है, थोड़ा सा पुलिस को मनाती है, इंस्पेक्टर को मनाती है वो, और वो जाने देते हैं। फिर घर की बहू और बेटा दोनों घर लौट आए हैं, पीछे पीछे मोनिशा भी आ गई है, और मोनिशा तो आग बबूला हो रही है क्योंकि दादी ना तारीफ जो कर रही है पूर्वी की। हमारे परिवार की इज्जत ना काम सब पूर्वी ने बचाया है, सही मायने में पूर्वी ही घर की लक्ष्मी है। मुझे तो नहीं लगता कि फैमिली को ये रीज़न पता होगा कि आई डोंट नो एक्चुअली कि उन्हें पता है कि नहीं एग्जैक्ट रीज़न कि क्यों उन दोनों को पुलिस लेकर गई है, और ये दोनों तो नहीं बताएंगे। आई थिंक पूर्वी भी एक तरह से रिस्पेक्ट करती है फैमिली की, तो शायद उसे भी शर्म आएगी बताने में कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था। अब भाई जिसके साथ शादी हुई है पत्नी तो उसे ही माना जाएगा ना, तो मोनिशा तुम कितना भी गुस्सा हो जाओ चिड़चिड़ा हट करो उससे क्या फर्क पड़ता है, बहुरानी इस घर की तो पूर्वी ही है। वहीं अब ये भी कहेंगे कि पूर्वी ना सबको मजा चखाएगी, वो कैसे उसके लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा, फिलहाल तो इफ्तारी का वक्त हो गया है, तो पूर्वी मैडम वहाँ पर भी अपना इनपुट दे रही है। जरा देखिए इस शरबत को कैसे सजा रही है। रमजान के महीने में शूटिंग करने का मजा दुगना हो जाता है, अगर हम ऐसा कहें तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।